खबर को द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने एक ऑनिक्स थाने रे विवाद तो देखा देची फिल्म रो निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को केन्द्र सरकारको पक्ष वाई क्याटेगोरी सुरक्षा देश र जो स्थानको सिआरपिएफ जग्गा काश्मीर पंडित पण्डित उप आधारित फिल्म फिल्मले केन्द्र सरकारको प्रच्छ सहयोग रह आतंवादी भयहरू काश्मीर छाडि हिन्दू पलायन गरिसक प्रदर्शित हुन्छ अनेक राज्य फिल्म प्रदर्शन पनि यहाँ ट्याक्स फ्री सुधा अफिसले कोटी आय गरिस काश्मीर फाइल्स जहाँ जरि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विरोधी दलको टार्गेट गरि हिंसा उद्रेक भयेक सरकार फिल्म इंडस्ट्री के भी जो टॉप एंटरटेनमेंट जो अपने को एंटरटेनमेंट लीडर्स मानते हैं जब इस फिल्म का ट्रेलर आया और दुनिया का हर आदमी इस ट्रेलर के बारे में बात करने लगा पाकिस्तानी लोग रोने लगे जब ट्रेलर देख देख के तो उन लोगों को मजबूरी में क्योंकि कश्मीर फाइल्स का नाम लिखो तो ऐसी मतलब आपको ज्यादा वेबसाइट में फुट ट्रैफिक मिलता है तो इसलिए उन्होंने कश्मीर फाइल्स का यूज तो किया नाम कि द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर इज आउट बट प्लीज रीड हाउ वी हैड रिव्यूड हिज लास्ट फिल्म द ताशकंद फाइल्स और उसमें लिखा था ताशकंद फाइल्स वॉज अ सेकेंड हैंड सेकेंड ग्रेट फिल्म ऑफ अ थर्ड रेट पॉलिटिक्स उसमें दो नेशनल अवार्ड मिले सौ दिन चलती रही आप किसी से भी सड़क पे बात कर लीजिए ताशकंद फाइल्स के बारे में मैं ओपनली कहता हूँ किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए अपने माँ बाप नाना नानी दादा दादी से पूछ लीजिए वो बता देंगे वो फिल्म कैसी से भी आपत्ति नहीं कि सेकंड ग्रेड बोले थर्ड ग्रेड बोले लेकिन कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर में तीन साल पुराना रिव्यू तो यह सवाल अपने कॉन्शियस से पूछिए कि जब टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करना करते हैं फिल्मों में और एक झूठ नैरेटिव जब हम क्रिएट करते हैं तब तो खूब उसको ग्लोरीफाई और सेलिब्रेशन होता है जैसे कि हमने सिनेमा की और समाज की ऐसी कोई फिल्म बना दी है लेकिन एक फिल्म आपको इसीलिए मैंने वो 20 मिनट का रिव्यू दिखाया क्योंकि मेरी बात हमारी बात आप ही के जरिए पहुंचेगी और कौन ले जाएगा सिर्फ इसलिए दिखाया आप देखिए उसके पीछे हमने क्या क्या सच है क्या मेहनत है क्या ऑथेंटिसिटी है इस फिल्म की पर दुख की बात यह है कि इसके लिए इतनी जद्दोजहद इतना स्ट्रगल अपने माँ बाप अपने भाई बहन की सच्ची कहानी सुनाने के लिए अपने देश में हमको मुझको स्पेशली इस तरह से आउटकास्ट किया जाता है ये देश के की बात है ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कब हो गए हम दिल से तो ऐसे नहीं है तो ये कैसे हो गया हम किस सिस्टम में बंद गए कि हमको झूठ मूठ में आज उस टेररिज्म को जिसने लाखों लोगों को मारा है जिसमें उन्नीस जर्नलिस्ट तो अभी मारे गए पिछले कुछ वर्षों में जर्नलिस्ट लोग पर हम चुप बैठे रहते हैं